बत्रा साहब, ऐसे इस तरह के जो जिन होते हैं ना, वो साल दो साल में देश में दिल्ली NCR में ऐसे निकलते रहते हैं, उठते बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल इन पर परमानेंट लीगली रूप से अंकुश लगाना जरूरी है। इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को, कैसे कैसे सुझाव आप दे सकते हैं? देखिए, स्पेशल कोर्ट बनी हुई है, जी त्वरित कोर्ट बनी हुई है तुरंत न्याय देने के लिए। उनमें भी जो समय लगता है, मैं कहता हूँ उसको भी गंवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके प्रोसेस माननीय जज साहब हमारे कुछ भी कर सकते हैं। जी ना दें, कोई डेट नहीं देने की ज़रूरत है, कोई लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक रिपोर्ट्स आ गई, आपके पास PM रिपोर्ट है, आपका बिस्रा रिपोर्ट है, आपके पास सारी रिपोर्ट्स हैं, एक्यूज सामने है, वकील साहब सामने हैं, तो जजमेंट में देर क्यों? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मुकदमे भी हैं, लेकिन जिस मुकदमे की जितनी संवेदनशीलता है उसको उसी प्रकार से उसका जजमेंट आना चाहिए। यह मेरी मांग भी है और यह मेरी सोच भी है। क्या कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की ढीलम ढाल रवैया इस विषय पर, इस हाँ आक्रोशित बिल्कुल, कांड मुझे पर इस चल रहा विषय पे है? केंद्र सरकार पे भी ढीलापन लग रहा है। जी केंद्र सरकार को जो निर्णय ले लेना चाहिए, ना जाने क्यों, फिर मेरा वही प्रश्न है, ना जाने क्यों, क्योंकि क्या डर क्या है, क्यों डरते हैं आप? अरे, आपका राज्य है, आपके राज्य का मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रहा, तो ठीक है, आप डिसीजन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो लिया ना, आपने क्यों नहीं लिया? आप भी ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लेना, क्योंकि आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, आपका राजनीतिक डर हो सकता है, आपकी राजनीतिक कमजोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो क्योंकि उद्वेलित हूँ बहुत ज़्यादा इस घटना से। बत्रा साहब, इस घटना के बाद पूरे देश में देश भर के वरिष्ठ सरकारी और अर्ध सरकारी डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई थी। जी अभी भी वो हड़ताल पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई है। इसकी वजह से हजारों, कई हजार पेशेंट और तीमारदार इतने परेशान हुए कि उन्हें बिल्कुल इलाज नहीं मिल बिल्कुल पाया। कुछ की तो मृत्यु भी हो गई है, जिनके मेरे पास सबूत जी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल और ये घटनाएं, उससे ज़्यादा और घटना घटित हो रही है। एक मृत्यु हुई है, वो बड़ी दर्दनाक है, डॉक्टर की, उसकी आड़ में इस विषय को लेकर देश के डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई है और सारे अस्पताल परिसरों को बंद किया हुआ है, काम बंद किया हुआ है। और दूसरे जो मरीज हैं, जो लाखों की तादाद में, वो परेशान हो रहे हैं, वो अपनी जीवन लीला से लड़ रहे हैं। एक अगर एक व्यक्ति को तुरंत उसको न्याय मिल जाता है, तो शायद इन हजारों लाखों देश के जो तीमारदार या बीमार लोग हैं, उनको भी न्याय मिलता है। ये बात ठीक है डॉक्टर्स को, लेकिन अगर उन डॉक्टर्स की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, शायद उन्होंने हड़ताल का ये तरीका जी अपनाया, जी जी जो कुछ हद तक कामयाब भी रहा, क्योंकि हमारे राजनेता, अगर मैंने कहा ना, अगर केंद्र सरकार ने उस समय डिसीजन तुरंत लिया होता तो शायद हड़ताल की नौबत ही नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेने की नौबत ना आती, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार आराम से बैठी रही। राज्यपाल ने भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया वहाँ, ये सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि ठीक है, हमारे पास कुछ न्यूज़ देर से आती होंगी, जी लेकिन जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सत्ता में हैं, जिनकी सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जिनके पास, उनके पास तो सारी खबर तुरंत होगी, तुरंत 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 मिली होगी, हम पे ही तो देर से आ रही है, जी 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 उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? बिल्कुल ये विषय बार बार उठता है कि क्यों ये नौबत ही नहीं आती हड़ताल की। हमारे डॉक्टर ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना चाहते, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां भी तो हमें ही पैदा करके देनी है, जी जी तभी जी वो जीवन बचा पाएंगे। वो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, और मैं कहता हूँ आम जनता को भी इसमें सोचना चाहिए और डॉक्टर्स का साथ देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स को भी आम जनता का उतना ध्यान रखना चाहिए कि एक के पीछे, ठीक है, वो घटना इतनी दुखद है जिसका कोई वर्णन नहीं है, जिसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, जिसके लिए हम कोई शब्द नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें बाकियों की भी जान बचानी है, हमें ये भी ध्यान रखना होगा। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।